हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो ये जो नेक्स्ट वीडियोस चल रहा है, वीडियो 5 होगा ये, तो इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप हमने 2013 तक किया था, तो उसी कंटिन्यूशन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। फॉर दिस इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो ये एक डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, एंड यू नो वेरी वेल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम आर एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा एच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, एक जो एंथैल्पी चेंज होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है। हम एक किरचॉफ्स इक्वेशन स्टडी करते हैं जिससे एक गिवन रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम फाइंड आउट करते हैं। और बड़ा सिंपल सा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी से हम रिलेट कर सकते हैं, रिएक्शन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए ऑप्शन तो हमारा जो है वो उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर ए गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड रेट कांस्टेंट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो इसलिए ये जो बी ऑप्शन है कह रहा है के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट ए गिवन टेम्परेचर। देखिए ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। CO2 का जो प्रेशर होगा वो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, और CO2 के प्रेशर को कुछ भी रखोगे तो उसके अनुसार जो है हमारा ये एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन तो फिर कोई हुआ ही नहीं, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा इस चीज़ के लिए यहाँ पे। तो प्रेशर के साथ जो है CO2 का जो प्रेशर है उस पर के की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। के एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और रिएक्शन के डेल्टा जी नॉट पे डिपेंड करेगा, और डेल्टा जी नॉट जो होगा वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली के की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, CO2 के प्रेशर के साथ जो है वेरी नहीं करेगी। ये कहा जा सकता है कि प्रेशर ऑफ CO2 वेरीज विथ के चेंज होने पर CO2 का प्रेशर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बट CO2 का प्रेशर अगर हम चेंज कर देंगे तो के की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। सो के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट ए गिवन टेम्परेचर इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा। जो एंथैल्पी चेंज है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, और कैटलिस्ट जो होता है वो बेसिकली काइनेटिक प्रॉपर्टीज जो है ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है उसको अफेक्ट करता है। तो ए इसके लिए करेक्ट है, और बी जो है वो भी करेक्ट है, और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर जो है क्या है। तो इसका आंसर ए, बी एंड डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केएसपी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज 1.1 इंटू 10⁻¹² एट 298 केल्विन। सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन ए 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सिल्वर क्रोमेट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसका सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है, और इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं जिसमें पहले से सिल्वर आयन अवेलेबल है। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगने से सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ईजी सा है, इसको हम कर लेते हैं कि हमारे पास में जो सिल्वर क्रोमेट है उसका KSP गिवन है, और इसकी सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिल्वर क्रोमेट को जब हम डिसॉल्व करेंगे सोल्यूशन में तो ये सिल्वर आयन और क्रोमेट आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियली सोल्यूशन के अंदर ये जो सिल्वर आयन प्रेजेंट है तो उसका KSP का एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन। अब यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी। तो देखिए मेनली जो यहाँ पे क्रोमेट आयन आ रहा है सोल्यूशन के अंदर वो सिल्वर क्रोमेट से ही आएगा, ठीक है। सिल्वर आयन को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि सिल्वर क्रोमेट से आ रहा है, क्योंकि वो सिल्वर नाइट्रेट से भी प्रेजेंट है, एंड ऑल नाइट्रेट्स आर कम्प्लीटली सॉल्युबल। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो स्किप कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारी सॉल्युबिलिटी है वो 2S हो जाएगी, और ये जो है वो S हो जाएगी, और यहाँ पे जो है हमें कॉमन आयन इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। S की वैल्यू जो है वो क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, और जो KSP है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन टू द पावर 2, और ये सिल्वर आयन जो है मेनली हम सिल्वर नाइट्रेट से कंसिडर करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट हमने लगा दिया। यहाँ से जो सिल्वर आयन आ रहा है वो नेग्लिजिबल आ रहा है। देखिए इक्विलिब्रियम पर जो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में होगी वो हो जाएगा 2s प्लस सिल्वर आयन कमिंग फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो ये 0.1 है। तो यहाँ पे 2s की वैल्यू जो होगी वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 0.1 कंसिडर कर लेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट हम लगा देते हैं, तो उसको KSP की वैल्यू जो है गिवन है 1.1 × 10⁻¹⁰ एंड सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन जो सिल्वर नाइट्रेट से आ रहा है वो 0.1 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रफली हमारा जो है 1.1 × 10⁻¹⁰ के करीब आ रहा है। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ईजी है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ट्राई करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए और भी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 2013 का ही है, पेपर 2 से है और ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे फिक्स्ड मास m ऑफ ए गैस इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम K to L टू m टू n एंड बैक टू K एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे इस कर्व को अगर हम एनालाइज करते हैं तो देखिए इसके अंदर कि आपको K to L जब आप मूव करते हैं तो K to L में प्रेशर तो फिक्स रह रहा है, तो इसका मतलब ये एक टाइप का आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया। अब इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मींस टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं K to L जो है वो हीटिंग यहाँ पे आएगा। K to L जो प्रोसेस है हमारा, इसमें हीटिंग ऑब्जर्व होगा और ये जो है वो एक आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या क्या है इसके लिए। और फिर L टू M अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो ये वॉल्यूम इसका फिक्स रह रहा है, तो ये आइसोकोरिक हो गया। L टू M अगर जा रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स है इसलिए ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। और आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारा जो है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये हम कह देते हैं कि कूलिंग ऑब्जर्व होगी and this is isochoric process. Now M to N जब हम मूव करेंगे, M to N जब हम मूव करेंगे तो देखिए आप M to N जब जाएंगे तो फिर प्रेशर इसमें फिक्स रहेगा, तो ये एक टाइप का आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया। और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये कूलिंग हो जाएगा। नाउ N टू K जब हम मूव करेंगे तो अगेन देखिए N टू K जब आप जाएंगे तो वॉल्यूम आपका फिक्स रह रहा है, सो इट इज आइसोकोरिक, ठीक है। प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज हो गया, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने ये चार टाइप के जो प्रोसेसेस दे रखे हैं उसको हमने स्टडी कर लिया। आप देख लेते हैं इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द सक्सीडिंग ऑपरेशंस दैट अनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आर। तो सबसे पहले देखिए हमने जो मूव करना स्टार्ट किया था कि यहाँ पे जो है K to L मूव कर रहे हैं और फिर इसी ऑर्डर में जा रहे हैं K to L, L to M, M to N एंड N to K, ये आ रहा है। तो इसमें हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग टाइप का ऑब्जर्व हो रहा है, तो हीटिंग कूलिंग कूलिंग एंड हीटिंग ऑब्जर्व हो रहा है, वो आपको ऑप्शन नंबर C में नजर आ रहा है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन C होना चाहिए, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। The pair of isocoric processes among the transformation of states is, isocoric processes हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये जो दो प्रोसेसेस है आपका L to M, ये आइसोकोरिक है और ये एक दूसरा प्रोसेस जो हमारा है N to K, L to M and N to K जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेसेस है, ये आपको ऑप्शन B में नजर आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन B हो जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन 2014 के क्वेश्चन पेपर से, पेपर 1 सर है ये। इस क्वेश्चन में कुछ डायग्राम दिया हुआ है, एन आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल है ये। तो थर्मली इंसुलेटेड वेसल का मतलब हो गया कि हीट एक्सचेंज तो इसके अंदर जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम कुछ पॉइंट्स नोट करते जाते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो ऐसे, ठीक है। अब तो ऑनलाइन पेपर होगा तो आपके पास जो भी रफ पेपर होगा उसमें आप मार्क कर सकते हैं। ये थर्मली इंसुलेटेड है जिसका मतलब Q की वैल्यू तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, जीरो कंसिडर करनी है, हीट एक्सचेंज जो है बिल्कुल ही नहीं होगा। थर्मली An ideal gas in a thermal insulated vessel at initial pressure equals to P1, volume equals to V1 and absolute temperature equals to T1 expands irreversibly against zero external pressure. देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज P एक्सटर्नल जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ऑल्सो, ये प्रोसेस जो है हमारा किस टाइप का है, इरिवर्सिबल है, इसमें लिखा हुआ है इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर एज शोन इन दी डायग्राम। तो आप ध्यान से देख सकते हैं हम कि Q की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई है और ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी यहाँ पर जीरो है, तो ये एक टाइप का जो काम हो रहा है हमारे पास में एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन टाइप का प्रोसेस है ये, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन के लिए अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि वर्क डन Q हमारा जीरो है, W हमारा जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो इसका मतलब डेल्टा T जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन होता है ये आइसोथर्मल भी होता है। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो आइसोथर्मल भी होता है, या सिंपल सा हम कह सकते हैं फ्री एक्सपेंशन इज बोथ एडियाबेटिक एज वेल एज आइसोथर्मल। तो अब हम भी इजीली सब क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। देखिए इसके लिए Q हमारा जीरो है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा ही होगा, ये आइसोथर्मल टाइप का प्रोसेस होगा तो इसलिए T2 इक्वल्स टू T1 भी होगा ही होगा इसके लिए। अब ऑप्शन C और D में से हमें चूज करना है, तो ऑप्शन C और D में से अगर आप चूज करोगे तो अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें एक आइडियल गैस के बारे में सोचना है, तो हम यहाँ पे P1V1 इज इक्वल्स टू NRT1 हमें लेना है, क्योंकि गैस जो है हमारे पास में इसके मोल्स में कोई चेंज हो नहीं रहा है। और P2V2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये NRT2 हो जाएगा, ठीक है। तो T2 इक्वल्स टू T1 है, तो यहाँ पे सिंपल सा P1 इक्वल्स टू P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हो जाएगा, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसके लिए ऑप्शन डी तो आपका आ नहीं सकता है, गामा का जो फैक्टर होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता, तो इसके लिए ए बी और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। देखते हैं आंसर क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल्स टू -half। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस हो गया यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि कुछ हिंट यहाँ पे दे रखे हैं उसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को कह रहा है 4 कंसिडर करना, तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s ऑर्बिटल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है 4p ऑर्बिटल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है 4d ऑर्बिटल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल के अंदर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर यही सब शेल्स अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास में जो ML वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 1 होगा, तो इसलिए इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना। 4p के अंदर हमें जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे जिसका ML जो होगा वो 1 वैल्यू होगी, एक के लिए +1 और दूसरे के लिए -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे ही 4d के अंदर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे जिसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू +1 एंड -1 होगी, तो 1 को हम कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे मिलेंगे जिनके लिए ये वैल्यू आ जाएगी। और ये यहाँ पर जो भी हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है फाइंड आउट करने क्या क्या हो सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर ही होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो +1 वाले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो -1 वाले होंगे, तो इनमें से हमें एक +1 वाला और एक -1 वाले को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो अलग अलग उनका स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2, 2 और 2 4, 6 इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए जिनके लिए ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा 6 आना चाहिए और वो 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, और ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रोज नंबर इज 6.023 × 10 to the power 23 पर मोल एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट is 1.380 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin, then the number of significant digits in the calculated value of the universal gas constant. तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो पर मोल होती है, और यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो पर पार्टिकल होता है। तो पर पार्टिकल वैल्यू को पर मोल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो हमारा आर होगा, ठीक है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और अवोगाड्रोस नंबर का एक टाइप से प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.380 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ये हमारे पास में इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, और इस कैलकुलेटेड वैल्यू में इस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें फाइंड आउट करने। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो रूल होता है वो ये कहता है कि आप दोनों जिन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और ये जो हमारे पास में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो अब जो हमारा आंसर होगा कैलकुलेटेड, उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आने चाहिए। जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आइडेंटिफाई, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, और जो लीस्ट वैल्यू है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वो आंसर में भी होना चाहिए। ठीक है, सो रूल सेज दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच number to be multiplied have to be identified, and the number of significant figures in the calculated value or in the answer should be restricted to the lowest number of significant figure। तो यहाँ पर हमारे पास में जो दोनों नंबर है इनके अंदर significant figures 4 है, तो आंसर में भी significant figure 4 हमें कंसिडर करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये आंसर 4 है, इजी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड आपको मिला था और एक बार और ये आ गया है। तो एक बार अपने जो रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशंस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, तो इनको रिवाइज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास में 2014 का पेपर 2 है, उस पर बेस्ड है। फॉर द प्रोसेस for conversion of liquid water to gaseous water at 100 degree Celsius and 1 atmospheric pressure। देखिए 100 degree Celsius and 1 atmospheric pressure हो गया, इसका मतलब ये तो एक equilibrium process हो जाएगा, boiling process हो जाएगा। liquid water is in dynamic equilibrium with gaseous water that is steam। तो अब यहाँ पे liquid से gas में जा रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम का डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही होगा। सिस्टम का जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये एक इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम पे हमारा जो डेल्टा एस टोटल जो है वो क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। डेल्टा एस टोटल जो होगा वो जीरो रहेगा। तो और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये वेपराइजेशन वाला प्रोसेस है, बॉइलिंग वाला जो प्रोसेस है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग जो हीट इवॉल्व करेगा, तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू द हीट इवॉल्व बाय द सराउंडिंग। तो यहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी में जितना इंक्रीज होगा एग्जैक्टली उतना ही डिक्रीज जो है वो सराउंडिंग की एंट्रोपी में हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका बेस्ट चॉइस जो है वो बी ऑप्शन आता है। तो ये बी ऑप्शन हमें आंसर इसमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक्स एंड वाई आर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स विथ मोलर वेट्स ऑफ 10 ग्राम पर मोल एंड 40 ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। 2 cotton plugs, one shocked in X and the other shocked in Y, are simultaneously placed at the ends of a tube of length 24 cm, as shown in the figure. The tube is filled with an inert gas at 1 atmospheric pressure and temperature of 300 Kelvin. Vapors of X and Y react to form a product which is first observed at a distance of d cm from the plug shocked in X. Take X and Y to have equal molecular diameters and assume ideal behavior for the inert gas and the 2 vapors। तो ये बड़ा सिंपल सा डिफ्यूजन पर बेस्ड प्रोसेस हो गया है। ठीक है, तो डिफ्यूजन के अंदर आपको पता है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कोई भी एक ट्यूब है, इस ट्यूब के दोनों एंड पर हमने कॉटन प्लग लगा रखे हैं और इसके थ्रू तो यहां से जो है वो x की वेपर्स एक टाइप से एंटर कर रही है और इस साइड से जो है वो y की वेपर्स जो है एंटर कर रही है। और यहां पर हमने जो है एक इनर्ट गैस फिल्ड कर रखी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये जो है हमारे पास में इसके अंदर कोई भी एक इनर्ट गैस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन पर। टोटल लेंथ जो है इस ट्यूब का वो 24 सेंटीमीटर है। एंड इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस प्रोडक्ट इज एट डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे कोई भी एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जब एक्स और वाई कंबाइन कर जाते हैं ये डी। तो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर बेस्ड है। इनके मोलर मासेस जो है वो गिवन है। मोलर मास ऑफ एक्स इज 10 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ वाई 40 ग्राम पर मोल। तो क्लियरली नजर आ रहा है हमें यहाँ पे कि जो हमारा x है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ y अंडर आइडेंटिकल कंडीशन है तो मोलर मास ऑफ y अपॉन मोलर मास ऑफ x हो जाएगा इन रूट। तो इसके वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ मोलर मासेज हमें दे रखे हैं और हम यहाँ पे कह देंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई x, ठीक है, इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई x जो है हम ये d कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारा वाइट प्रेसिपिटेट ये बन रहा है तो और ये हो जाएगा 24 माइनस डी, सो दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ वाई दैट इज 40 एंड मोलर मास ऑफ एक्स दैट इज 10। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास में 2 आ जाएगी। तो डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 24 माइनस डी। इसको सॉल्व करेंगे हम तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो ये जो होगा d इज इक्वल टू 48 माइनस 2d और ये 3d इज इक्वल टू 48 एंड d इक्वल टू 16। तो ये जो 16 सेंटीमीटर पर जो है हमारा ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है उस इंफॉर्मेशन पे हमने देख लिया कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या। आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे इक्वल मॉलिकुलर डायमीटर्स हैं एक्स और वाई के। एक ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे इस कैलकुलेशन में यूज नहीं हो रही है, रिटेन करते हैं, देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर एज एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राम्स लॉ इज। ग्राम्स लॉ से हमने डी की वैल्यू एस्टिमेट की है और ये 16 सेंटीमीटर आ रही है एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ऑप्शन सी आ गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन दी एस्टिमेट ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राम्स लॉ, दिस इज ड्यू टू। हम पहले एनालाइज कर लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखते हैं। कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन दी एस्टिमेट ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राम्स लॉ। तो इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ बनेगा, बट वो कह रहा है कि एक्चुअल में ये इससे किसी शॉर्टर डिस्टेंस पे बन रहा है, सपोज यहाँ पर कुछ बन रहा है। तो इसका मतलब है कि आइडियली इस डेटा के अनुसार x को जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए उतनी डिस्टेंस x ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब x को x के मूवमेंट में वेलोसिटी में कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ रेजिस्टेंस की वजह से इसका जो डिफ्यूजन है वो कम हो पा रहा है। तो रेजिस्टेंस की वजह से डिफ्यूजन कम होने का मतलब ये हो गया कि ये एक इनर्ट गैस यहाँ पे हमने फिल कर रखी है। नॉर्मली जो हम डिफ्यूजन स्टडी करते हैं वो वैक्यूम में करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में एक्स को डिफ्यूज होना है। तो इनर्ट गैस के पार्टिकल्स जो होंगे वो एक्स के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो एक्स के साथ कोलाइड जब करेंगे तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा अगर कोलिजन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास में जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी x की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो x का एक टाइप से मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बढ़ गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल इनर्ट गैस मॉलिक्यूल के साथ जो है एक्स कोलाइड हो गया तो इसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से जो है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एक टाइप से क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टीमेट ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राम्स लॉ, दिस इज ड्यू टू। सो मेन रीजन तो यहाँ पे जो है मीन फ्री पाथ नहीं होगा। मीन फ्री पाथ तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में एक्स और वाई के कॉलिजन्स की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है कि उससे पहले एक्स किसी और के साथ जो है वो कोलाइड कर रहा है। तो इनर्ट गैस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा तो वो इंक्रीज्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो इंक्रीज्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद इनर्ट गैस एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस। तो इसका मतलब वाई एक टाइप से हम कह सकते हैं कि वो इनर्ट गैस के साथ मूव कर रहा है आसानी से, लेकिन एक्स जो है वो इनर्ट गैस के साथ आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है, उसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। एक्स पार्टिकल्स इज मोर रेजिस्टेंस फ्रॉम नोबल गैस, सो मोर कॉलिजन पर सेकेंड हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी जो हमारी एक टाइप से ड्रिफ्ट स्पीड है वो कम हो गई है। तो ये कुछ कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से जो है वो डी आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, ये ऑफिशियल आंसर जो है वो डी कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। स्पिन, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंसिडर नहीं करना है और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो 9 आती है हाइड्रोजन एटम के लिए, व्हाइल द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस इज। तो देखिए H माइनस जो है वो एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और H जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन एन एंड एल बोथ वैल्यूज। तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो कौन सा होगा। तो ये हमारे पास में एनर्जी स्टेट हम कंसिडर कर लेते हैं और ये हाइड्रोजन है और ये H माइनस है। हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और H माइनस के लिए जो है वो N एंड L दोनों वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ N वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो जो ग्राउंड स्टेट है वो हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा दैट इज 1s होगा और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो हाइड्रोजन की है वो 2s और 2p हो सकती है। तो इसके अंदर जो p हमारे पास में 3 होंगे, 2px, 2py, 2pz। तो इन सबको अगर मैं लिख देता हूं तो सबकी एनर्जी जो है वो सेम होगी। तो इसकी जो डिजनरेसी है वो कितनी आ जाएगी, 4 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो h माइनस के लिए n और l वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो भी 1s ही होगी, बट यहाँ पे जो एनर्जी फिर है जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। 2s जो है वो लोअर एनर्जी का है और 2p जो है वो हमारा हायर एनर्जी का है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो 2p होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा वो 3s, 3p के 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, और ये 3d के 5 ऑर्बिटल होंगे। तो ये इन सबको अगर हम काउंट करेंगे तो ये 9 डिजनरेसी आ जाएगा। बट अब यहाँ पे जो हमारे पास में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो यही आ रहा है, 2p आ रहा है इसके लिए। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है h माइनस के लिए, तो इसकी जो डिजनरेसी होगी वो 2px, 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे इसका डिजनरेसी जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का h माइनस के अंदर वो 3 आएगा। सो नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9 व्हाइल द डिजनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ h माइनस के लिए जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वो 2p होगा। तो 2px, 2py, 2pz, इसका डिजनरेसी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका डिजनरेसी। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो 3 है। ये 2015 पेपर 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमारा अमोनिया का डिकम्पोजिशन पर, अमोनिया के प्रोडक्शंस पर बेस्ड है। और इस क्वेश्चन में हमें करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन at pressure P and temperature T1 is given below. तो ये कर्व गिवन है. इस कर्व को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ईल्ड जो है अमोनिया की वो किसी एक टाइम पर मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड होगा वहाँ पे इसका परसेंटेज ईल्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा. और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो कैन मैक्सिमम ईल्ड ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी अटेंड एट ए सुटेबल बट लोअर टेम्परेचर. अब ये कह रहा है इफ द रिएक्शन इज कंडक्टेड एट सेम प्रेशर बट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा. देखिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है. तो इट मीन्स एट हायर टेम्परेचर लेसर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि मेनली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा. सो एट हायर टेम्परेचर लेसर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड, सो परसेंटेज यील्ड इसका डिक्रीज होगा. हायर टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है. तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा. देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ेगा, लेकिन हायर टेम्परेचर पर जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा नेट जो हमें ऑब्टेन्ड होगा उसका परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. परसेंटेज यील्ड जो है वो कम होगा. इसका मतलब इक्विलिब्रियम जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो मोर रिएक्शन विल गेट प्रोसीड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन एंड लेसर, मतलब मोर इंक्रीज इन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड लेसर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. दोनों का रेट तो इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है. और हाई टेम्परेचर पर जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो लेसर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए उसका परसेंटेज यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ये हमारा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है. अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शंस जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे. सो ऑप्शंस यहाँ पे ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर पर जो है हमारा परसेंटेज यील्ड कम है, T2 टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड ज्यादा आ गया और फिर आगे जा करके कह रहा है कि परसेंटेज यील्ड जो है वो इक्वल हो जाएगा. ये तो गलत है. हमारा इंटरप्रिटेशन है कि परसेंटेज यील्ड जो होगा T2 टेम्परेचर पर वो लोअर होगा. परसेंटेज यील्ड जो है T2 टेम्परेचर पर लोअर होगा, लेकिन यहाँ पर इनिशियली इक्विलिब्रियम अटेंड होने से पहले दोनों रिएक्शन का रेट भी जो है वो डिफरेंट होगा. तो इसका मतलब जो परसेंटेज यील्ड में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो भी डिफरेंट होगा, है ना. T2 में चेंज ज्यादा आएगा, T1 में चेंज कम आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जब अटेंड हो जाएगा तो T2 पर परसेंटेज यील्ड कम होगा और T1 पर परसेंटेज यील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा. तो ये ऑप्शन सी को अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा जो है रूल आउट ही हो गया एक टाइप से. ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेट जो है इसका कम कर दिया. T2 टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड में जो इंक्रीज का रेट है वो कम हो गया. नाउ बी ऑप्शन को अगर हम देख लेते हैं तो बी ऑप्शन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि T2 टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड में जो चेंज है उसका रेट जो है वो ज्यादा है, परसेंटेज यील्ड बढ़ रहा है पहले इनिशियली टाइम के साथ, बट जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो फिर ओवरऑल परसेंटेज यील्ड जो है रिएक्शन का T2 टेम्परेचर पर लोअर हो जाता है और T1 टेम्परेचर पर जो है वो हायर हो जाता है. तो ये जो है बी ऑप्शन थोड़ा ठीक एक्यूरेट लग रहा है. डी को भी एनालाइज कर लेते हैं. डी में जो है क्या हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर परसेंटेज यील्ड भी ज्यादा ही कर दिया, यहाँ पे रेट भी ज्यादा कर दिया और यील्ड जो है वो भी ज्यादा कर दिया. तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है. तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑफिशियल आंसर के अनुसार ये हमारा बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 पेपर 1 से ही है और ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर सही होंगे. सो मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस गिवन अंडर कॉलम 1 विद द एक्सप्रेशंस गिवन अंडर कॉलम 2. तो ए कॉलम 1 में ऑप्शन ए कह रहा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है. और यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है इसलिए इसमें कुछ वर्क भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो लिक्विड वाटर का वॉल्यूम और जो आइस का वॉल्यूम है सॉलिड वाटर का वॉल्यूम तो सेम होगा ही नहीं. तो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रहा है. तो यहाँ पे पी और क्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हम कह सकते हैं कि इस ए ऑप्शन के लिए एक्यूरेट नहीं होंगे. तो हम चेक कर लेते हैं क्या होगा. तो देखिए ए ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फ्रीजिंग के लिए हमें जो है बेसिकली कूलिंग करनी पड़ेगी, सिस्टम से हीट रिमूव करनी पड़ेगी. तो ये एक्सोथर्मिक होगा इसलिए Q0 नहीं होगा. वॉल्यूम में चेंज हो रहा है इसलिए वर्क भी इन्वॉल्व होगा. अच्छा, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है इसलिए सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी. तो आर ऑप्शन तो होगा ही होगा. अच्छा, अब ये जो फ्रीजिंग जब होता है तो वैसे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, लेकिन इसके अंदर एंथैल्पी चेंज भी होता है और इंटरनल एनर्जी चेंज भी होता है ड्यू टू द चेंज इन स्टेट। एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज भी होता है, तो इसलिए एस तो हमारा जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन अगर हम फ्रीजिंग प्रोसेस को अगर देखेंगे तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इसमें इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा और इक्विलिब्रियम जब अटेंड होगा तो डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए दो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आर एंड टी। बी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम, वैक्यूम में एक आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर है हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन तो उसके अंदर जीरो ही हो जाएगा। अंडर आइसोलेटेड कंडीशन हो रहा है तो आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पी एंड क्यू तो दो बिल्कुल एक्यूरेटली इसके मैच कर गए। अब ये एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन जब होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। एंड एक्सपेंशन जो है वो एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, इसलिए इसका डेल्टा जी जो है वो जीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली स्टेज तो आएगी नहीं वैक्यूम के अंदर किसी गैस को अगर आप एक्सपेंड करोगे। अब इसका क्यू जीरो हो गया है, डब्ल्यू इसका जीरो हो गया है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि पी जो है वो इसके लिए अप्रोप्रिएटली होगा क्योंकि ये आइसोलेटेड कंडीशन में हो रहा है, इसलिए क्यू इसका जीरो हो जाएगा। ये वैक्यूम में हो रहा है इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, इसलिए वर्क डन जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी और क्यू तो दोनों आएंगे आएंगे। एक्सपेंशन है इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो जीरो ही होगी और एक्सपेंशन जो है वो स्पॉन्टेनियस है इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू उसके लिए जीरो नहीं हो सकती है। तो ये बी ऑप्शन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सी ऑप्शन के लिए देख लेते हैं क्या है, मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। तो देखिए यहाँ पे दो गैसेस को हम मिक्स कर रहे हैं और दोनों के इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, आइसोलेटेड कंटेनर में दो गैसेस को आप मिक्सअप कर रहे हो, इसका मतलब सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो सी के लिए पी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी हो रहा था, इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, तो क्यू इसका जीरो हमने ले लिया है और इंटरनल एनर्जी में हमने कोई चेंज यहाँ पे कंसिडर किया नहीं है, तो क्यू भी जीरो है, डेल्टा यू जो है जीरो है, तो फिर यहाँ पे जो हमारा वर्क डन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे। और मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है इसलिए इसका डेल्टा जी तो जीरो हो नहीं सकता है और मिक्सिंग में एंट्रोपी इंक्रीज ही होता है इसलिए आर भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन के लिए भी पी क्यू एंड एस ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन होंगे, सी के लिए भी पी क्यू एंड एस जो है वो ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन होंगे। अब हम देख लेते हैं कि डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 atm from 300K to 600K followed by reversible cooling to 300K at 1 atm. तो अब यहाँ पर जो हमारे पास में नो चेंज इन स्टेट एट ऑल, एक मतलब बात यही हो गई स्टेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, जहाँ थे वापस से वहीं आ गए, तो इसका मतलब हीट एक्सचेंज ही नहीं होगा इस प्रोसेस में, रिवर्सिबल है ये, रिवर्सिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, वर्क डन भी इसके अंदर नहीं होगा और यहाँ पे स्टेट में चेंज नहीं हुआ इसलिए एंट्रोपी में भी चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा और फ्री एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो सब जीरो ही रहेगा। बस आर यहाँ पे कंसिडर हमें नहीं करना है, तो पी क्यू एस एंड टी जो है डी ऑप्शन के लिए आना चाहिए, पी क्यू एस एंड टी, आर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे जो है कुछ ऑप्शंस हमने इसके लिए आइडेंटिफाई किए। लास्ट जो है वो रिवर्सिबल हीटिंग है, रिवर्सिबल कूलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब नो चेंज इन स्टेट, तो स्टेट में जब कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो रिवर्सिबल के अंदर जितना वर्क आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे उतना ही वर्क जो है हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तो नेट वर्क डन जो है जीरो आ जाएगा हमारा, हीट कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं यहाँ पे, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा और फ्री एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारे अप्रोप्रिएट आंसर्स होने चाहिए। तो देखिए इसके ए में हम कह रहे हैं आर और टी हमारा होगा, तो ए में आर और टी है। बी के अंदर जो है हम कह रहे हैं कि पी क्यू एंड एस होगा, तो ये पी क्यू एंड एस है। सी के अंदर पी क्यू एंड एस, अगेन पी क्यू एंड एस आ गया। डी के अंदर पी क्यू एस टी आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन के हमारे अप्रोप्रिएट आंसर्स हो गए। तो 2015 के अंदर ये जो नॉर्मल हम थर्मोडाइनमिक्स में प्रोसेसेस पढ़ते हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनकी और प्रैक्टिस करिए, एक्सपेक्टेड है और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। So when 100 ml of 1 molar HCl was mixed with 100 ml of 1 molar NaOH in an insulated beaker at constant pressure, a temperature increase of 5.7 degrees Celsius was measured for the beaker and its content. तो ये temperature increase जो हमें मिल गया यहाँ पे. Because the enthalpy of neutralization of a strong acid with a strong base is a constant -57 kilojoule per mole, this experiment could be used to measure the calorimeter constant. In a second experiment, 100 ml of 2 molar acetic acid K जिसका given है was mixed with 100 ml of 1 molar NaOH under identical conditions to experiment 1, where a temperature rise of 5.6 degrees Celsius was measured. Consider heat capacity of all solutions as 4.2 joule per gram per Kelvin and density of all solutions as 1 gram per ml. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है उनको हम एनालाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें हमारा आंसर जो है वो क्या मिल रहा है. सो दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर. पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर जो है वो क्या हो रहा है. एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हमने एक सोल्यूशन बना लिया है और ये सोल्यूशन बनाते समय हमने NaOH को मिक्स किया है और ये NaOH जो है हमारा 100 ml है एंड 1 मोलर सोल्यूशन है. 100 ml एंड 1 मोलर सोल्यूशन है ये. और इसी के अंदर हमने जो है वो HCl को भी मिक्सअप किया है और HCl जो हमारा वो भी 100 ml एंड 1 मोलर सोल्यूशन है. और ये करने से इसके अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो 5.7 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है. अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हीट एक्सचेंज है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन. तो हीट इवॉल्व दैट इज क्यू की बात अगर हम करेंगे तो ये इसको मैं C इंटू डेल्टा T ले लेता हूँ. C को मैंने कंसिडर कर लिया है कैलोरीमीटर कांस्टेंट टुगेदर विथ इट्स कंटेंट. कंटेंट सबको मिला करके, मतलब वैसे तो आप जो है M इंटू S स्टडी करते हो, S जो है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया. तो यहाँ पे मैंने C को टुगेदर इज कंटेंट मतलब मास और हीट कैपेसिटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके यहाँ पे हमने इसको कंसिडर कर लिया. केमिस्ट्री के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं. तो हीट इवॉल्व इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T. तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्वेश्चन ये कहता है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वो 57 किलोजूल पर मोल होता है. एक मोल के लिए जो हीट इवॉल्व होगी उसकी वैल्यू इतनी होगी और टेम्परेचर में जो चेंज है वो 5.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में जो हमारा चेंज आ रहा है. तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सी की वैल्यू हमारे पास में ये हो जाएगी हीट इवॉल्व जो है वो 57 माइनस 57. ये तो हीट इवॉल्व है हमारे पास में. तो Q अपॉन डेल्टा T कर लेता हूं मैं. Q अपॉन डेल्टा T. Q की वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये एक मोल के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है. तो एक मोल के लिए हम इसकी वैल्यू को अगर निकालेंगे तो ये 57 किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, ये एक मोल के लिए. बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास में आएंगे इस एक्सपेरिमेंट में, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास में वो आ गया 100 इंटू 1/1000. तो ये हमारे पास में इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है आ रहा है 1/10 मोल्स के लिए. तो 1 मोल के लिए अगर हमारा इतना है तो 1/10 मोल के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना एक मोल के लिए कितना निकलेगा. तो ये हम वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो ये थोड़ा सा स्पेस सेव करने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास में जो C है इंटू डेल्टा T आ गया हमारा 5.7. ये जो है हमें एक मोल के लिए निकालना है और मोल हमारे पास में ये इतने दे रखे हैं 100 इंटू 1 इंटू 1000. ये मैंने यहाँ से निकाल लिया एक मोल के लिए कितना रिवॉल्व होगा और एक मोल के लिए जो यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है हमारा वो 57 किलो जूल हो रहा है. तो ये C की वैल्यू को हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. तो C की वैल्यू जो आ जाएगी 57 इंटू 1000 इंटू 100 बाई 5.7 इंटू 1000. तो ये हमारी कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो ये सिंपल सा जो है 1000 जूल पर डिग्री सेल्सियस में हमारा सी आ गया। अब एक्सपेरिमेंट 2 को अगर हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर अगेन हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर 100 ml ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया। तो ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ये 100 ml है और ये 2 मोलर है। इसको हमने मिक्स कर दिया NaOH के साथ और NaOH जो है हमारे पास में वो 100 ml ऑफ 1 मोलर है, 100 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन है। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास में NaOH के जो मोल्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया एक टाइप से। तो जो नंबर ऑफ मोल्स न्यूट्रलाइज होंगे वो NaOH के जितने मोल्स न्यूट्रलाइज होंगे उतने ही मोल्स एसिटिक एसिड के भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो 5.6 जो है वो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगेन जो हीट इवॉल्व है उसकी वैल्यू क्या होगी ये निकाल सकते हैं। तो Q की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो Q आ जाएगा हमारे पास में, C की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 1000 हो गया और चेंज इन टेम्परेचर जो है हमारा 5.6 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो आया है वो इतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए, मोल्स हमारे पास में उतने ही है, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा 100 × 1 × 1000 नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें इसको चेक करना है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास में 1000 टू 1000 जो है बाहर चला गया, तो ये 56 किलो जूल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, 56 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो ये दोनों हमने कंसिडर कर लिया, वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमसे ये कहा जाए कि ये जो एक एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है इसका डेल्टा H आयोनाइजेशन जो है वो क्या होगा। तो डेल्टा H आयोनाइजेशन जो होगा हमारे पास में वो हो जाएगा डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड माइनस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड का जो है वो -56 है, हीट इवॉल्व ही होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो -57 है। तो ये जो है 1 किलो जूल डेल्टा H आ जाएगा हमारे पास में 1 किलो जूल पर मोल। तो अब हम इसके देख लेते हैं कि वेरियस क्वेश्चंस जो है इस पर बेस्ड क्या क्या है। K की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁵ सो दैट आई विल रिमेंबर। सो एंथेल्पी ऑफ डिसोसिएशन इन किलो जूल पर मोल ऑफ एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2। तो एंथेल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो हमारा 1 किलो जूल पर मोल आ रहा है, 1 किलो जूल पर मोल। तो ये ऑप्शन ए में गिवन है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिर कह रहा है pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 के बाद में सॉल्यूशन का pH जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो pH समय सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो pH के लिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमने एसिटिक एसिड लिया है, इसको NaOH के साथ हमने मिक्स किया है, तो ये सोडियम एसिटेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एसिटिक एसिड के जो हमारे पास में मिली मोल्स हैं वो 2 × 100 मिली मोल्स हैं ये, ठीक है। और NaOH के जो हमारे पास में मिली मोल्स होंगे वो 100 × 1। तो ये जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। और इसके जो मिली मोल्स रिमेनिंग होंगे वो 1 × 100 होंगे। इस सॉल्ट के जो मिली मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे वो 1 × 100 प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर जो है हमारा ये एक वीक एसिड है और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट भी है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो इसका मतलब ये एक एसिडिक बफर बन गया है। तो अब इस एसिडिक बफर की pH अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ conjugate base obtained only from salt to the concentration of weak acid। तो ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट से आने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। अदरवाइज इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू जो है हमारे पास में हो जाएगी 1 into 100 by 200 ही आएगा, नॉट 300, 100 ml ऑफ एसिटिक एसिड मिक्सड विथ 100 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और जो एसिटिक एसिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन भी अगर हम देखेंगे तो वो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी यही होगी, इसी टाइप से इसकी वैल्यू भी इतनी आ जाएगी। तो ये जो फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन के रेशो वाला जो पार्ट है ये 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का जो pH होगा वो pKa के इक्वल हो जाएगा और Ka जो है वो 2 into 10 to the power -5 है, तो pK इसका हो जाएगा 5 minus log 2, तो 5 minus log 2, तो इसका मतलब 5 से कम जो हमारा आंसर होगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा, 5 से कम। तो ये ऑप्शन बी के अंदर एक ईजी वैल्यू है, हम याद रख सकते हैं इसको, 4.7 हमारा आंसर हो जाएगा, log 2 इज 0.3। तो क्वेश्चन 40 का अप्रोप्रिएट आंसर बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 पेपर 1 से, और इसके अंदर ये है P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए स्फेरिकल शेल ऑफ इनफाइनाइटेसिमल थिकनेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल इज 4 pi r square dr। The qualitative sketch of the dependence of P on R। देखिए ये जो P है बेसिकली वो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कर रहा है। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें बेसिकली ये बताता है कि एक स्मॉल रीजन में, एक स्मॉल स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी। तो ये ओरिजिन पर जो हमारा ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब 4 pi r square dr के अंदर जब आप ये फाइंड आउट करोगे तो ओरिजिन पे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर सी नहीं हो सकता है, बी और डी में से कुछ होगा। अब इसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो है, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस है, वहां पे एक मैक्सिमा आएगा। इन ऑल केसेस जो पी की वैल्यू है वो अप्रोचिंग टू, पी की वैल्यू जो है वो 0 अप्रोच करेगी एज आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी ही नजर आ रहा है, इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। 1s के लिए अक्सर तुम्हें जो ये कर्व पूछे जाते हैं, तो आप और रिवाइज कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमें लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें नजर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में 2016 पेपर 1 से है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास में 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 Kelvin इन थर्मल contact with surrounding expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atmosphere. In this process, the change in entropy of surrounding, जो होगा वो change in entropy of surrounding हमें find out करना है। तो ये देखिए हमारे पास में सिंपल सा जो प्रोसेस है इसको अगर स्टडी कर लेते हैं तो ये कह रहा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगा, और Q जो होगा इक्वल्स टू वर्क डन। और ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, सो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो यहां पे हम सिंपल सा कह सकते हैं कि Q ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस W ऑफ सिस्टम, ठीक है, और ये जो होगा वो हमारा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V से हम रिलेट कर लेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से हम रिलेट कर लेंगे। और डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा हमारे पास में तो वो हो जाएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी, डेल्टा एस सराउंडिंग जो आएगा वो क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी हो जाएगा, और क्यू ऑफ सराउंडिंग जो होगा, ठीक है, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम हो जाएगा। क्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम आ जाएगा हमारे पास में। तो क्यू ऑफ सराउंडिंग की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करके आप अपना आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। सो 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 Kelvin इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। तो यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो गैस एक्सपेंशन करेगी यहाँ पे, तो उसका वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, तो ये अपनी अंदर जो इंटरनल एनर्जी जो है उसको यूज करेगा, वो तो यूज करेगा नहीं, तो इसका मतलब जो हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय दिस सिस्टम है, तो हीट एब्जॉर्ब, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन सी या डी में से ही कोई आंसर होगा। अब आपको बाकी का काम जो है आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो उस चीज के लिए। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 3 एटमॉस्फेयर गिवन है और चेंज इन वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमारे पास में 1 लीटर का हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन गिवन है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू आ जाएगी, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, और उसको फिर जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन सी जो है अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन के लिए लग रहा है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारा जो है इस सीरीज के अंदर हमने कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।